हेलो गाइस, मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक ऑन न्यू ब्लॉग, बिकॉज आज है संडे। और ये देखो, हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो, सिवानी लगी हुई है यहाँ पर, वो है खाने का। ये डिश खा चुकी है, एक खाली करके रख दिया अभी इसने, है ना? नहीं, दो खा चुकी हूं। दो खा चुकी है, देखो कितनी आपसी। बोलो, मेरी भी मांग रही थी, मैंने यहाँ खा रहा हूँ बैठ कर, तो मेरे से बोलते मुझे दे देना, आप मत खाओ। कोई नहीं, एक ही डिश खाई, मजाक कर रहा था। तुम लोग अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, तो आप लोग भी आ जाइए। मम्मी उधर कर रही है मंदिर साफ, आज मंदिर का नंबर है। और विक्की तो चाय पी के चला जा चुका है, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, देन आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि संडे है तो आप लोगों के साथ रहना बनता है। सभी मैं जा रहा हूँ बार्बर की शॉप पे, बिकॉज मुझे दाढ़ी वाड़ी कटवानी, थोड़ी सेट वेट करवानी, बिकॉज आज है शुभम की शादी, तो उसकी शादी में जाना है। कल एक्चुअली मैं कुछ काम से जा नहीं पाया था, थोड़ा अर्जेंट आ गया था, कल उसकी हल्दी थी तो कहीं जाना जैसा था, तो जा नहीं पाया था। आज जाएंगे शादी में, तब दाढ़ी वाड़ी सेट करा के आते हैं। उसका मंदिर भी जाना है ना आज वापस, तो आज मंदिर भी जाना है, बिकॉज वो लास्ट संडे गए थे वहीं पर जाना है वापस, क्योंकि 3 संडे कंटिन्यू जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो सब चले नितेश की दुकान पर। तो अभी आ चुके हैं अपने नितेश की दुकान पर, ये है नितेश, और अब चाह चुका है मेरा नंबर। तो अब मैं कराऊंगा अपनी बीएड सेटिंग अच्छी तरह, फिर यहाँ से निकलेंगे अपन घर के लिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ एकदम नहा धो के रेडी होके, देख सकते हो दाढ़ी वाड़ी सेट करा दी है मैंने, और ये मेरा वेट कर रही थी यहीं पे, कब से बैठी थी। मैं नहा के वहाँ के आया, बोले कितना टाइम लगा दिया अपने बाल, मतलब दाढ़ी बनवाना है, बाल तो कटवाए नहीं, बाल बाद में कटवाएंगे। 12:30 हो गए, ये देख लो। तो अभी हमने जा रहे हैं मंदिर फटाफट, फिर आके उसके बाद खाना वाना खाते हैं, और रास्ते में कुछ काम है, सूट वगैरह डिलीवरी लेनी है तो वो भी लेते हैं। तो चले चले। तो फिर से पहुंच चुके हैं रिवर फ्रंट पे एक बार, और रिवर फ्रंट पे आने की वाइब भी अलग है, मतलब गाइस यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। रिवर फ्रंट पे आ जाओ तो वैसा लगता है कि बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, काफ़ी शानदार, मतलब रिवर फ्रंट अहमदाबाद का काफ़ी शानदार है। इसका कुछ नहीं, मतलब यहाँ जो मतलब बिस्तरे का बनाया हुआ ना, काफ़ी अच्छा है। ये देखो हेलमेट लगा के एकदम रेडी। तो पहुँच गए महाकाली मंदिर, यहाँ से लिए फूल महाकाली माता के लिए, और अब चलते हैं आगे। कौन सा अच्छा है? 3 ले लो ना इसमें तो कोई भी। अरे एक नारियल आप ही दोन। एक नारियल। तो यहाँ लगा रही थी शिवानी कॉइन दीवार पर, बट वो चिपक नहीं रहा था। देखो अभी ट्राई कर रही है, लेकिन देख लो लग ही नहीं रहा है। फिर मैंने कॉइन लगाया और कॉइन चिपक गया। धनुष का हम लोग मंदिर से निकले और सीधे पहुँचे मैक्स ब्लू टेलर के वहाँ पे, जहाँ की मैंने अपना सूट सिलवाने डाला था। तो ये रहा हमारा सूट, जो कि रेडी हो चुका है एकदम। भैया इस पर ब्रॉच लगा रहे, और ये हो चुका है पैक। इसमें से टाई हमने चूज़ कर लिए कलर कॉम्बिनेशन की। तो फाइनली सूट ले लिया हमने यहाँ से, और हम निकल चुके हैं घर के लिए। देखो शिवानी लेके जा रही है आगे फटाफट, जल्दी जल्दी। और ये देख बीच में बैठा हुआ है, इधर 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 साइड है ना, इधर चलो। हेलो गाइस, तो गुड इवनिंग। तो अभी बजे हैं शाम के 6:30, और वहाँ से हम लोग माँ लक्ष्मी का मतलब महाकाली माता के दर्शन करके आके घर पे थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके, शिवानी की चप्पल वगैरह लेनी थी शादी के लिए, तो कुछ ना कुछ संडे को चलता रहता है, तो वो करके हम आ गए घर पे। घर पे आके हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने का देन मैं गया सो, और सो के जैसे अभी मैं तो खड़ा हुआ हूँ 1 घंटे पहले, और मैं रेडी भी हो गया हूँ ऊपर से नीचे तक एकदम। लेकिन ये देखो, ये शिवानी खड़ी हुई है 4 बजे, मतलब इसको मैंने आधा घंटा दिया था, चलो बोले मेरे को 2 घंटे तो मैं तैयार हो जाऊँगा, 2 घंटे इसके पूरे हो चुके, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुए। मतलब इनको कितना भी टाइम दे दो गाइस, लेकिन तैयार नहीं हो रहे, बोल भी नहीं रहे कुछ। हेलो जनता पूछ रही है यार, तुम मतलब लड़कियों की क्यों कर रहे हो यार, क्या हुआ? 2 मिनट, ये 2 मिनट, अभी 10 मिनट थे, 10 मिनट पूरे हो गए, उसके बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा और हो गए, 15 मिनट हो गए, मतलब 2 मिनट और चाहिए इसको। क्या गाइस इनका क्या होगा यार भाई, अपन का बढ़िया। देखो मैंने अभी आज गया, बाल धोए, सूट पहना, अपन रेडी। बट
टाइम नहीं लगता, लड़कियों को साड़ी पहनना पड़ता है ना, ये ना वो सब। तो क्यों लगता है लड़कियों को टाइम? जल्दी करो ना, तुमको टाइम दिया फिर भी तैयार नहीं हो पाए। बोलो, उसकी बारात निकल जाएगी तब तक तुम हेरे जाना। और शर्मा बोलेगा हमसे कि तो 4 बजे का बोले थे और आए सीधे 7 बजे। शर्मा देख, मेरी कोई गलती नहीं है, तेरी भाभी गलती है, टाइम भी लगा रही थी। तो हम लोग आ चुके हैं शुभम के घर पर और यहाँ पर बारात की जोर शोर से तैयारी चल रही है निकलने की। ढोल वाले आप देख सकते हो, जबरदस्त बजा रहे, भी आपको सुनाता हूँ। तो 12 से निकल के सीधे हम लोग पहुँचे शिवम के पार्टी प्लॉट में, जाके उसकी शादी है। ये देख रहे हो काफ़ी शानदार एंट्री गेट, और एंट्री गेट पे एंट्री लेते हुए हम लोग, और सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो आप, LED स्क्रीन लगाई हुई है जहाँ की उसके प्री वेडिंग सूट्स वगैरह के फोटोज़ वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये है उसके एंगेजमेंट का फोटोज़, और ये खड़ी है शिवानी, ये है हमारे गणपति महाराज, जय हो गणपति महाराज की। और यहाँ पर पूरी लेन में उसके फोटोज़ लगाए, अलग अलग देख सकते हो, यहाँ पर लगाए फिर ये लगाए। काफ़ी अच्छा एंट्री गेट है, काफ़ी अच्छी एंट्री जो कि लेन बनाई है, और पार्टी प्लॉट की एंट्री भी काफ़ी शानदार है। अभी चलते हैं अपन अंदर और अंदर का नज़ारा देखते हैं कैसा क्या है। फोटोज़ भी लिए हमने यहाँ पर, और ये है पार्टी प्लॉट। पब्लिक कम है बिकॉज बारात में पब्लिक है। और यहाँ देखो शिवानी खाने लगी है मंचूरियन, उसकी फेवरेट। एक डिश मैं अपने हाथ में रखे रखा हूँ और एक एक खा रही है, ख़त्म हो जाएगी फिर मैं इसको दूसरी डिश दूंगा। मंचूरियन के बाद हमने ट्राई करी करारी रगड़ा टिक्की चाट, जो कि देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये देख रहे, ये है करारी रगड़ा टिक्की चाट, काफ़ी अच्छी, काफ़ी टेस्ट अच्छा है इसका। देन उसके बाद गए हम लोग पफ पिज़्ज़ा पे, तो यहाँ पर ये पफ पिज़्ज़ा है, भाई को ऑर्डर दे दिया, भाई लेके आया, 2 डिश भी लगा दिए। दो भी रख दो भैया दोनों में। हैप्पी, बस थैंक यू। अभी बज चुके थे रात के 11, और 11 बजे हमने की डिनर की शुरुआत। तो रंजन ने यहाँ पर डिनर किया। डिनर करने के बाद हमारी होने वाली भाभी ने काफ़ी शानदार एंट्री ली। तो भाई भाभी ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त डांस किया इस गाने पर। मैं वीडियो में आपको गाना सुना नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब ज़ोरदार, आप देख ही सकते हो। घर पे और अभी बज कर जो है एग्जैक्ट 12 जस्ट पहुँचे। मम्मी ने दरवाज़ा खोला नीचे से, मम्मी को डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों ने। तो भाई काफ़ी मज़ा आया शादी में, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। डांस वांस तो किया नहीं लेकिन मैंने, लेकिन देखने में ही काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। क्या बोलती शिवानी? शिवानी तो बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा खाया इसने, रुकी नहीं रही थी खाने के लिए। मैं इसके लिए डिश ला के एक रखता था तैयार करके, तभी तो खा दी थी। अच्छा। एक खाते थे इसलिए। तो ये सूट मेरा आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना मुझे। और मेरा मेकअप और मेरा लुक, ये तो जब देखो तो मेकअप, ये कहीं भी जाएगी ना शादी में, इसका मेकअप ऐसा है, इसका मेकअप ऐसा है, मतलब पार्लर क्या कर रही है ना, सबके मेकअप ही देखती है, कौन ने किसने कैसा मेकअप किया है। इसका मेकअप खराब है ना, इसकी हेयर स्टाइल खराब है। नहीं, ये हमारे काम में, यू नो, जो भी पार्लर वाले लोग होंगे वो समझ सकते हैं, जो भी ब्यूटिशियंस होंगे, जो भी मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो समझ सकते हैं हमारी फीलिंग, मेरी फीलिंग। सो गाइस, ये वीडियो करता हूं इवेंट, और हां शुभम, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, कांग्रेचुलेशंस। सो शुभम, हेलो शुभम, तो तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन तेरी शादी के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत ढेर सारी। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों जन, बहुत प्यारा लग रहे थे आज। स्टेज पे मैं आ नहीं पाया, एक लेट हो रहा था, मैं इसलिए नहीं आया था भाई, इसलिए मैं निकल गया जल्दी। सो शिवानी तू भी बोल दे कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। तो दोस्तों वीडियो एंड पे ही करता हूं मैं एंड, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।